हाल ही में कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के दिए गए एक स्टेटमेंट के बाद इंडियन पॉलिटिक्स काफी गर्मा गई है। चर्चा में आया है विरासत टैक्स, आखिर क्या होता है ये तो हम आपको आज बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक बार बता दें कि आखिर इसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी क्या हुई है। हाय, मैं हूं मानसी, आपके साथ हूं एबीपी लाइव पॉडकास्ट, ये है FII। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि भारत में विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स लगाने पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलती है, जबकि 55% पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। ये बड़ा ही दिलचस्प कानून है। इसके बाद पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी, आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा, कांग्रेस का ये मंत्र आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपको लूट लेगा, कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। खैर, कांग्रेस की तरफ से तो बयान आ गया है कि वो ऐसा कोई टैक्स लागू नहीं करने जा रही, पर आइए जान लेते हैं आखिर क्या है ये इनहेरिटेंस टैक्स और क्या भारत में ये लागू कभी हो भी सकता है या नहीं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन से सिमिलर टैक्सेस हैं और कहां कहां ये इंप्लीमेंट हैं दुनिया में। इनहेरिटेंस टैक्स, हिंदी में विरासत कर, इस टैक्स का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति की या यूं कहें कि माँ बाप की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हो तो उस पर एक टैक्स लगता है। ये एक समय में इंडिया में हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये इस्टेट ड्यूटी टैक्स से अलग है। लोग अक्सर इनहेरिटेंस और इस्टेट ड्यूटी टैक्स को सेम मान लेते हैं, लेकिन ये अलग है। क्या है इस्टेट ड्यूटी टैक्स बताते हैं। इस्टेट ड्यूटी टैक्स 1953 में लगाया गया था। इसका मतलब है कि अगर सपोज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है और वो डेथ के बाद किसी को पास ऑन होती है तो उस पर एक इस्टेट टैक्स लगता है। इसको हम कह सकते हैं एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी जब इनकम ज्यादा होती है तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा। ये शुरू होता है 5% से 40% तक, लेकिन इसमें बहुत तरह की छूट भी है। जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 लाख से भी कम है तो उस पर और साथ ही क्लोथ्स, इंश्योरेंस मनी, चैरिटेबल प्रॉपर्टी यानी जो दान में देनी हो या बुक्स हो, उन पर ये टैक्स नहीं लगता। लेकिन 1985 में जब फिनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तब इससे पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब इसके पूरी तरह से समाप्त करने के पीछे भी 3 रीजंस थे। पहला कि लोग इसमें भी कैसे पैसा बचाना है वो पता कर लेते थे, यानी लूप होल्स के बारे में जान लेते थे जिससे सरकार के पास पैसा कम जाता था, और यही दूसरा कारण भी था, सरकार को इससे रेवेन्यू कम मिलता था, और साथ ही ये एक कॉम्प्लिकेटेड लॉ था। अब क्योंकि इस टैक्स को लेके केसेस भी चलते थे, इससे सरकार के लिए मुश्किल हो जाती थी केस लड़ने में, उनके पैसे भी ज़्यादा लगते थे। अब जान लेते हैं कि कौन से टैक्स हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। पहला तो वेल्थ टैक्स और दूसरा गिफ्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स वो होता था जो आपकी पूरी संपत्ति पर लगता था। ये 1957 में लगाया गया था और ये तभी लगता था जब आपकी संपत्ति 30 लाख से ज्यादा हो, और तब भी आपको 1% ही भरना पड़ता था। फिर इसके बाद अरुण जेटली ने 2015 के बजट के अनाउंसमेंट के वक्त इसको हटा दिया। वहीं बात करें गिफ्ट टैक्स की तो ये लगाया गया था 1958 में। ये टैक्स जब लगता था तब आप किसी को महंगा गिफ्ट देते थे, लेकिन इस टैक्स में भी लोग पैसा बचा लेते थे। इनहेरिटेंस टैक्स का वो ऐसे कि अगर आप बच्चों को प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हो तो आप इनहेरिटेंस टैक्स पे करना अवॉइड कर सकते हो, और फिर इसको हटा दिया गया 1998 में। लेकिन इससे मिलता जुलता एक एक्ट लाया गया, या यूं कहें कि एक प्रोविजन लाया गया 2004 में, जिसमें यह था कि अगर आप 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट रिसीव करते हो तो उस पर टैक्स लगेगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें घर वालों के लिए छूट है, आप बिना टैक्स दिए उनको गिफ्ट कर सकते हो। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि किन कंट्रीज में यह है और किन कंट्रीज में यह नहीं है। यूएसए में यूनिफाइड गिफ्ट एंड एस्टेट टैक्स है। इसमें अगर कोई व्यक्ति अगर किसी को गिफ्ट देता है, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, तो उस पर भी टैक्स देना होगा। लेकिन इसमें एग्जेंप्शन ये है कि अगर वो व्यक्ति $15,000 से कम का गिफ्ट देते हो पर ईयर,
तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये थी बात गिफ्ट टैक्स की। अब आते हैं इस्टेट टैक्स पर। इस्टेट टैक्स दिया जाता है 40% प्रॉपर्टी पर। इसमें बहुत सारी एग्जेम्पशंस आई थी, जैसे पहले कहा कि जिसके पास 1 मिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो उस पर यह टैक्स लगेगा, फिर हुआ 3.5 मिलियन, उसके बाद 5 मिलियन, और फिर 2017 में 11.5 मिलियन, यानी जो सबसे ज़्यादा अमीर है उनके लिए ज़्यादा दुखदाई साबित हो गया। यूनाइटेड किंगडम में ये टैक्स 40% पर लागू होता है। इसमें दो एग्जेम्पशंस हैं। पहले कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी देता है तब उस पर ये टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए करवाई जा रही हो तब उसमें $5,00,000 की एग्जेम्पशन है, और इसकी असल में एग्जेम्पशन लिमिट 3,25,000 पाउंड की है। फ्रांस की बात करें तो इसमें जिसको वो प्रॉपर्टी मिल रही है उसको टैक्स देना होगा, यानी जिसको उससे बेनिफिट हो रहा है उसको ये टैक्स भरना होगा। बहुत से कंट्री में ये लागू नहीं है, जैसे कि हमारा भारत, इसके साथ साथ नॉर्वे, मैक्सिको, केन्या, इसराइल और स्वीडन। ये इंडिया में आखिर क्यों लागू नहीं है और इस इनहेरिटेंस टैक्स के और भी पहलुओं पे डिटेल में अभी हम जानेंगे। हमारे साथ में एक एक्सपर्ट जुड़ने जा रही हैं, एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है आस्था आहूजा। इनहेरिटेंस टैक्स जो है ये सिर्फ 6 स्टेट्स में जो है लगाया जाता है यूएस के अंदर, और इसके भी बहुत जो है इसमें जो है काफी चीजें हैं डिटेल में जो है। यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स जो है कि मान लीजिए कि जो है पर्सन है जो प्रॉपर्टी छोड़ के गया है अपने फैमिली मेंबर के लिए, और वो रहता है मान लीजिए टेक्सास में जहाँ पे कोई स्टेट टैक्स वगैरह नहीं है, और जो फैमिली मेंबर है जिसके लिए वो छोड़ के गया है मान लीजिए वो उस स्टेट में रहता है जहाँ पे टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल जो है पेनिसवेनिया में लगता है ये टैक्स, मैरीलैंड में लगता है, न्यू जर्सी में लगता है, नेब्रास्का में लगता है ये टैक्स, पेंसिकी में लगता है ये टैक्स। तो मान लीजिए कि अगर वो टैक्स छोड़ के गए और आप न्यू जर्सी में रहते हैं या पेंसिल्वेनिया में रहती हैं तब आपको वहाँ पे टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जो डिसीज्ड है जिसकी डेथ हुई है जो आपके लिए छोड़ के गया है प्रॉपर्टी या मनी या जो असेट वो तो रहता है टेक्सास में जहाँ पे स्टेट टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो वहाँ पर जो है क्योंकि हर स्टेट का जो है अलग टैक्स रूल्स है तो टेक्सास के रूल से जो है वो वहाँ पर जो है वो इम्पोज होगा, ना कि आप जो रहते हैं पेंसिल्वेनिया में रहते हैं जहाँ की ये इनहेरिटेंस टैक्स है। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है इनहेरिटेंस टैक्स का कि रिलेशनशिप क्या है आपका मरने वाले के साथ, डिसीज के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, बेनिफिशरी का रिलेशनशिप क्या है, और ये कौन कौन से रिलेशनशिप पर वैलिड है। जी बिल्कुल, जो ये 6 स्टेट्स हैं वो जो स्टेट है इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो सर्वाइविंग स्पाउसेस पे नहीं लगाती है, जो स्पाउसेस उनके ऊपर नहीं लगाती है। और ये जो केंटकी है, मैरीलैंड है, न्यू जर्सी है, आयोवा है, ये जो है एग्जेम्प्ट करता है अगर आप ट्रांसफर करते हैं टू योर सर्वाइविंग चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो बेसिकली जो है जो स्टेट्स हैं वो भी इस तरह से इनहेरिटेंस टैक्स का जो रेट भी है वो डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप किसके साथ क्या रिलेशनशिप है आपका। जो नॉन रिलेटेड बेनिफिशियरीज हैं उनको हायर रेट देना पड़ता है, और ये इनहेरिटेंस टैक्स है जो हर स्टेट के अलग है। जैसे पेनिसवेनिया का जो है 0% से 15%। तो जैसे कि मैंने कहा कि यूएस में भी ये पूरी तरह से नहीं लागू है, और यूएस का टैक्स सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम उससे कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमने तो जीएसटी भी इम्पोज किया है, अडॉप्ट किया हुआ है जो यूएस में नहीं है। उससे पहले भी भारत में जो है वैल्यू एडेड टैक्स जो है पूरे तरीके से नहीं, लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स जो है हमने लगाया हुआ था जो कि वहां पर नहीं है। वहां पर तो रिटेल सेल्स टैक्स और यूजर टैक्स लगता है वहां पर। अगर मैं कंजम्पशन टैक्स की बात करूं कि मुझे वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आपका कंजम्पशन टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है, तो वहाँ सिर्फ रिटेल सेल्स टैक्स और यूजर टैक्स लगता है। तो वी डोंट हैव मच टू लर्न फ्रॉम द यूएस विद रिगार्ड टू द टैक्स पॉलिसीज, और हमें जो है अपने देश में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो देश के लोगों की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ही जो है हमें काम करना चाहिए यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये जो है इतना कोई इशू नहीं है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। इस वक्त जो इशू है वो आपके लिए है जॉब क्रिएशन और इनइक्वालिटी, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ।